चैनल वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब भाई? आप लोगों के इतने कमेंट्स आ रहे थे बुलेट को लेके, भाई बुलेट पे वीडियो लाओ, बुलेट पे वीडियो लाओ, बुलेट पे वीडियो लाओ। भाई मैं आ गया बुलेट पे वीडियो लेके। तो भाई सबसे पहले तो आज हम लोग इसका पब्लिक रिएक्शन देखेंगे, भाई फ्री फ्लो पे पब्लिक रिएक्शन कैसा रहता है। लॉन्ग पटियाला विथ पैंट पाइप, पूरा खाली है भाई, पूरा खाली साइलेंसर है। और भाई उसके बाद मैं आपको इसकी वाइब्रेशन टेस्ट भी करवा दूंगा, भाई वाइब्रेशन टेस्ट कैसी रहती है इसकी। बैक फायर मारता है भाई। तो भाई मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि भाई आप ये साइलेंसर और बैंड पाइप लगाओ, क्योंकि भाई पब्लिक परेशान हो जाती है इससे। तो भाई मैंने इसका इंस्टॉलेशन का वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, मैं आई बटन पे दे दूंगा, आप जाके एक बार उसको चेकआउट कर लेना। और भाई इस पे फाइन है, अगर आपको पुलिस पकड़ेगा तो आपका 10,000-15,000 रुपये का चालान लग सकता है आपको। मैंने तो भाई आप लोगों के लिए इंस्टॉल करवाया था इसको। बैक फायर मारता है भाई। तो भाई बुलेट को लेके बहुत मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई बुलेट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो भाई मैं आपको बता दूं, अगर बुलेट आपको अच्छी कंडीशन में मिल रही है, अगर वो ज़्यादा घसी नहीं है गाड़ी, तो आप ले सकते हो यार, गाड़ी तो बहुत ज़बरदस्त है। ले सकते हो भाई, BS6 भी ले सकते हो, BS6 भी बहुत अच्छी गाड़ी है। और BS6 भाई मैं बहुत ही जल्द एक अपने चैनल पे BS6 और BS4 को लेके वीडियो बनाने वाला हूँ कि दोनों में क्या चेंजेस है। और भाई अगर आपको BS3 मिल रही है तो BS3 तो ज़बरदस्त है यार, BS4 से मेरे को BS3 ज़्यादा ही अच्छी लगती है। बहुत लाउड है भाई, इतना लाउड है कि भाई पब्लिक देखती है और गाली देती है। ओ ओ ओ इसका वाइब्रेशन भी देख लेंगे। लोग बोलते हैं बुलेट में वाइब्रेशन है। भाई मैं वाइब्रेशन की बात करूँ तो जो क्लासिक है, मतलब जहाँ तक मुझे लगता है भाई, क्लासिक में वाइब्रेशन ज़्यादा है स्टैंडर्ड के मुकाबले। स्टैंडर्ड में ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है। बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है स्टैंडर्ड में। पहले भाई मुझे कुछ लगता था वाइब्रेशन है, जब से मैंने इसका
हैंडल बार मैंने चेंज किया है तब से, मेरे को इतना वाइब्रेशन फील नहीं होता। बैक फायर भाई अपने आप पटाखे बजते अपने आप। अभी हम लोग आगे वाइब्रेशन टेस्ट कर लेंगे। भाई आवाज देखो भाई, मैंने पहले भी बताया कि भाई ज़्यादा बुलेट में वाइब्रेशन नहीं है, खाली थोड़ा वाइब्रेट होता है थोड़ा बहुत। भाई हम लोग यही वाइब्रेशन टेस्ट भी कर लेते हैं इसकी। गाड़ी में डबल पे लगा देता हूँ पहले। तो भाई मैंने बना दिया पैक और अपनी बुलेट लगा दी डबल पे। मैं इसका आपको वाइब्रेशन टेस्ट दिखाता हूँ कितना इसका वाइब्रेशन है। देख लो भाई वाइब्रेशन देख लो बुलेट की, यहाँ पे भी देख लेते। यहाँ पे ज़्यादा ये था इसलिए गिर गया। तो भाई मैंने आपको वाइब्रेशन टेस्ट करवा दिया है और अब मैं वीडियो को ही एंड कर देता हूँ। और भाई आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताना भाई, तो मैं इसके ऊपर ज़रूर कोशिश करूँगा मैं टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे बहुत मज़ा आने वाला है।